हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बेयरिंग के बारे में बताऊंगा। बेयरिंग क्या होता है, बेयरिंग का फंक्शन क्या होता है, इसके अलावा टोटल कितने टाइप्स के बेयरिंग होते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको टोटल 20 टाइप के बेयरिंग के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझाता हूँ कि बेयरिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, आप सबने साइकिल चलाया होगा, तो साइकिल चलाते वक्त आपने ये देखा होगा कि साइकिल के व्हील में उसके सेंटर पे एक मशीन एलिमेंट होता है, तो ये जो मशीन एलिमेंट है वो बेयरिंग होता है। अब बेयरिंग क्या करता है कि बेयरिंग मशीन के एक पार्ट को अलाउ करता है कि वो मशीन के दूसरे रिलेटिव जो रोटेटिंग पार्ट या फिर मूविंग पार्ट उसको बेयर कर सके, उसके लोड को झेल सके। ठीक है, अब मैं आपको बेयरिंग के बारे में बता दूँ कि जो बेयरिंग होता है वो रिलेटिव मोशन को कंस्ट्रेंट करता है। इसके अलावा जो मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट से दो उनके बीच में बेयरिंग के वजह से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है। अब इसका जो बेयरिंग है उसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो कि मैंने आपको बताया है कि जो मशीन का रोटेटिंग पार्ट है या फिर जो मूविंग पार्ट है इनके बीच में फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बेयरिंग है वो मशीन के रोटेटिंग पार्ट्स को सपोर्ट करता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेयरिंग का, वो ये होता है कि ये रेडियल और थ्रस्ट लोड को बेयर करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रेडियल लोड का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप है जहाँ पे आप एक गियर देख रहे हो जो कि दो अलग अलग बेयरिंग से चेन के हेल्प से कनेक्टेड है। अब जैसे इस गियर का रोटेशन होगा तो उसके वजह से जो बेयरिंग पे जो भी लोड पड़ेगा वो होता है रेडियल लोड। अब दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप ये एग्जाम्पल दे रहे हो, एक चेयर का एग्जाम्पल है जिसके नीचे में आप बेयरिंग देख रहे हो। ठीक है, बेयरिंग मान ली लगा हुआ चेयर के नीचे में। अब क्या होगा, जब आप इस चेयर पे बैठते हो या इस चेयर पे कूदते हो तो इसके वजह से जो बेयरिंग पे लोड पड़ता है वो होता है थ्रस्ट लोड, जिसे हम लोग एक्सियल लोड भी कहते हैं। बेयरिंग 6 टाइप के होते हैं, प्लेन बेयरिंग, रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, फ्लूइड बेयरिंग, ज्वेल बेयरिंग और फ्लेक्सर बेयरिंग। आइए मैं आपको अब एक एक करके इन 6 टाइप के अलग अलग जो बेयरिंग्स हैं इनके बारे में बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ बेयरिंग के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है प्लेन बेयरिंग। अब जो प्लेन बेयरिंग होता है वो बाकी के सारे बेयरिंग के मुकाबले इजीएस्ट होता है। इनका डिज़ाइन, इनका मैन्युफैक्चरिंग करना इजी होता है और ऑफनली हम लोग इसे स्लाइडिंग बेयरिंग या फिर स्लाइड बेयरिंग भी कहते हैं। आप ये जो इमेज देख रहे हो वो है प्लेन बेयरिंग का। अब जो प्लेन बेयरिंग है उनका जो की फीचर, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इस तरह के बेयरिंग में लोड को कैरी आउट करने के लिए किसी भी तरह का रोलिंग एलिमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ बेयरिंग सरफेस होते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, और इस बेयरिंग सरफेस के हेल्प से ही लोड कैरीड आउट होता है। अब प्लेन बेयरिंग को हम लोग फर्दर कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हो गया बुशिंग बेयरिंग, इंटीग्रल बेयरिंग, टू पीस बेयरिंग। अब फ्रेंड, जब हम लोग प्लेन बेयरिंग को मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो प्लेन बेयरिंग का जो मटेरियल, जिसमें मटेरियल से हम लोग उसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बेयरिंग मटेरियल है वो ड्यूरेबल होना चाहिए और ड्यूरेबल होने के साथ ही साथ कोरोजन यानी कि जंग से रेजिस्टेंट होना चाहिए उस मटेरियल का। देन जो अगला पॉइंट वो ये है कि बेयरिंग मटेरियल है वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। देन जो अगला टाइप ऑफ बेयरिंग है वो है हमारे पास रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग। अब जो रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग है वहाँ पे लोड को कैरी आउट करने के लिए, लोड को बेयर करने के लिए रेसेस के बीच में रोलिंग एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेसेस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, रेसेस कुछ नहीं, ये जो आप दो बेयरिंग रिंग्स देख रहे हो, इन दो बेयरिंग रिंग्स को हम लोग रेसेस कहते हैं और इनके बीच में रोलिंग एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। अब जहाँ तक बात रहा रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग का, तो वहाँ पे रोलिंग एलिमेंट्स के तौर पे सिलिंड्रिकल रोलर, नीडल रोलर, स्फेरिकल रोलर्स, टेपर्ड रोलर्स और बॉल्स, इन 5 रोलिंग एलिमेंट को यूज़ किया जाता है लोड को बेयर करने के लिए। अब फ्रेंड, जो रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग है वो फर्दर अलग टाइप में डिवाइड होता है। सबसे पहला हमारे पास बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग में रेसेस के बीच में गैप को फिल करने के लिए हम लोग बॉल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं कि बॉल बेयरिंग का जो विथ होता है वो जो हम लोग बॉल यूज़ कर रहे हैं उसके डायमीटर से हमेशा कम होता है। अब बॉल बेयरिंग को हम लोग फर्दर अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सिंगल रो बॉल बेयरिंग। अब जैसा कि नाम से मालूम चल रहा, सिंगल रो बॉल बेयरिंग में एक रो में आइडेंटिकल मैनर में बॉल्स अरेंज्ड होते हैं और इनके हेल्प से लोड कैरिड आउट होता है। देन बॉल बेयरिंग का जो अगला टाइप है वो है डबल रो बॉल बेयरिंग। अब इस तरह के बेयरिंग में दो रो में स्पेसिफिक मैनर में बॉल्स जो है वो अरेंज होते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डबल रो बॉल बेयरिंग में
दो ग्रूव्स कटे हुए होते हैं जिसमें बॉल जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। देन जो बॉल बेयरिंग अगला टाइप है वो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। अब इस तरह के बेयरिंग को डिजाइन किया जाता है एंगुलर एज वेल एज एक्सियल लोड्स को बेयर करने के लिए। देन बॉल बेयरिंग का जो अगला टाइप है वो है हमारे पास थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग को यूज किया जाता है वर्टिकल थ्रस्ट लोड को हैंडल करने के लिए, कुछ केसेस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लोड को भी ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। देन जो बॉल बेयरिंग का आखिरी टाइप है वो है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग। अभी जो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग होते हैं वो कैपेबल होते हैं जर्नल लोड्स को विथस्टैंड करने के लिए। रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग का जो अगला टाइप है फ्रेंड्स वो है रोलर बेयरिंग। आप ये जो इमेज देख रहे हैं वो रोलर बेयरिंग का है। अब जो रोलर बेयरिंग होते हैं वो बॉल बेयरिंग्स के मुकाबले ज़्यादा कैपेबल होते हैं हायर लोड बेयर करने के लिए, लेकिन इस तरह के बेयरिंग का नुकसान ये है कि इस तरह के बेयरिंग में अगर लुब्रिकेंट का एब्सेंस हो तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जो रोलर बेयरिंग होते हैं उन्हें फर्दर हम लोग कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग। इस तरह के बेयरिंग में सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। जो आप इमेज देख रहे हो वहाँ पे जो रोलिंग एलिमेंट है वो सिलेंडर है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो सिलेंडर का डायमीटर है वो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग के डेंथ से हमेशा ज़्यादा होता है। देन जो अगला टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग है वो हमारे पास गियर बेयरिंग। इस तरह का बेयरिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल गियर्स के टाइप का होता है, और मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के गियरिंग बेयरिंग में स्मॉलर सेटेलाइट गियर्स को यूज किया जाता है जो कि बेयरिंग के सेंटर के अराउंड रेवोल्यूशन परफॉर्म होता है, जिसके हेल्प से वो लोड को बेयर करते हैं। अब जो गियर बेयरिंग होते हैं वो एफिशिएंसी को तो इंक्रीज करते हैं, उसके साथ ही साथ जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसे भी रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन गियर बेयरिंग का प्रॉब्लम ये है कि इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही ध्यान से इन्हें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। देन फ्रेंड्स जो रोलर बेयरिंग के अंदर में जो अगला टाइप है वो है स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। अब जो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होते हैं उनमें इनर रिंग, आउटर रिंग, केजेस, स्फेरिकल रोलर्स, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब जो कंपनीज एसकेएफ, टिमकेन, एंटीन कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरिंग इस तरह के स्फेरिकल रोलर बेयरिंग को मैन्युफैक्चर करती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका एप्लीकेशन की बात करें स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का, तो इन्हें गियर बॉक्सेस, पंप्स, विंड टर्बाइंस, ड्रिलिंग, माइनिंग, इन सब में यहाँ पे स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का यूज किया जाता है। देन रोलर बेयरिंग का जो अगला टाइप है वो है नीडल रोलर बेयरिंग। अब नीडल रोलर बेयरिंग में जो रोलिंग एलिमेंट उसके तौर पे लॉन्ग थिन पतले सिलिंड्रिकल रोलर्स का यूज किया जाता है जो कि नीडल के टाइप के शेप में होते हैं। अब चूंकि नीडल रोलर बेयरिंग में रेसेस के साथ जो सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये लार्जर लोड को विस्टैंड कर सकते हैं। इन्हें पंप, कंप्रेसर वगैरह में नीडल रोलर बेयरिंग का यूज किया जाता है। देन जो अगला टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग है वो है कार्ब टोराइडल रोलर बेयरिंग। तो फ्रेंड्स 1995 में मैंने कैस्ट्रॉम ने कार्ब टोराइडल रोलर बेयरिंग को इन्वेंट किया था। अब मैं आपको इस जो रोलर बेयरिंग है इसका फीचर बता दूं, तो इसका फीचर ये है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इस बेयरिंग का, वो जो पॉसिबल स्फेरिकल रेडियस है उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बेयरिंग है ज्वेल बेयरिंग। अभी जो ज्वेल बेयरिंग होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे जो मेटल स्पिंडल होता है वो ज्वेल लाइन पिवट होल में टर्न हो जाता है, उसमें बदल जाता है, जिसके हेल्प से ये लोड को बेयर कर पाता है। अब मैं आपको ज्वेल बेयरिंग के बारे में बता दूं कि ये जो ज्वेल बेयरिंग होता है उसका जो मेन बेनिफिट होता है वो ये होता है कि एक तो इसका जो वेट है वो कम होता है, ठीक है, वेट कम होने के साथ साथ इसका जो साइज है वो भी कम होता है, इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो भी कम हो जाता है, और जो ज्वेल बेयरिंग है वो जहाँ पे लुब्रिकेशन एक भी नहीं हो यानी कि बिना लुब्रिकेशन की ये ज्वेल बेयरिंग काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको ज्वेल बेयरिंग के बारे में बता दूं कि जहाँ पे एक्सियल लोड होता है वहाँ पे ज्वेल बेयरिंग का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये एडवाइजेबल है कि अगर आपके पास जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो अगर वहाँ पे एक्सियल लोड नहीं है तो वहाँ पे आप इसे यूज़ नहीं करो। अब ये जो ज्वेल बेयरिंग होता है वो सेफायर और सिंथेटिक रूबी का बना हुआ होता है। इसका जो साइज है वो 10 mm तक एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 10 mm या उससे कम साइज का ज्वेल बेयरिंग बनाया जाता है, और जो वेट है वो 500 g तक ये ज्वेल बेयरिंग वेट हैंडल कर सकता है। देन फ्रेंड्स मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे इसे यूज किया जाता है। तो इसे मैकेनिकल वॉचेस में, उसके अलावा गायरोस्कोप्स में, गैल्वेनोमीटर्स में, टर्बाइन फ्लोमीटर्स में, डायल इंडिकेटर्स में यहाँ पे ज्वेल बेयरिंग का यूज किया जाता है। देन फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ बेयरिंग के अंदर में जो अगला टाइप ऑफ बेयरिंग है वो है हमारे पास फ्लूइड बेयरिंग। अब ये
स्पेशल टाइप ऑफ बेयरिंग होता है। यहाँ पे कोई स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई वेयर नहीं होता है, कोई वाइब्रेशंस नहीं होता है, किसी तरह का रोलिंग एलिमेंट का यूज नहीं किया था। ये स्पेशल टाइप ऑफ बेयरिंग होता है। फ्लूइड के हेल्प से ये बेयरिंग लोड को बेयर करते हैं। अब फ्लूइड बेयरिंग के अंदर में जो पहला टाइप ऑफ बेयरिंग है वो है हाइड्रोडायनेमिक फ्लूइड बेयरिंग्स। अब मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोडायनेमिक फ्लूइड बेयरिंग्स है वहाँ पे जिस शाफ्ट के ऊपर में ये जो बेयरिंग है वो रेस्ट करता है, उसके फ्लूइड के प्रेशर की वजह से ये जो फ्लूइड बेयरिंग है वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसे कंप्लीट करता है। अब जो इस टाइप के बेयरिंग्स को इलेक्ट्रिक मोटर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, कूलिंग पंप्स, इन सब में यूज किया जाता है। देन फ्लूइड बेयरिंग के अंदर जो अगला टाइप है वो है हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बेयरिंग्स। ओके, अब जो हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बेयरिंग है उसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये कम स्पीड में, ठीक है, हल्का स्पीड में रहा तब भी हेवी लोड्स को हैंडल कर सकता है। अब जो हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बेयरिंग्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इनका जो लाइफ होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और एक और एडवांटेज इसका ये है कि हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड बेयरिंग्स की वजह से जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है या कम हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बेयरिंग है मैग्नेटिक बेयरिंग। जो मैग्नेटिक बेयरिंग होता है वहाँ पे लोड को सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज़ किया जाता है। अब मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में आपको बता दूँ कि जो शाफ्ट के अंदर में जहाँ पे इन मैग्नेटिक बेयरिंग का यूज़ किया जाता है, तो उस शाफ्ट के साथ इन मैग्नेट्स का जो कॉन्टैक्ट होता है, मैग्नेटिज्म होता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। तो उसके हेल्प से लोड को बेयर किया जाता है। कंप्रेशर्स, टर्बाइंस, पंप्स, मोटर्स, जनरेटर्स, इन सब में मैग्नेटिक बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आज के टाइम पे जो आर्टिफिशियल हार्ट्स होते हैं वहाँ पे भी मैग्नेटिक बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो सिंक्रोमी मैग्नेटिक बेयरिंग्स है, उसके अलावा वॉकेसा मैग्नेटिक बेयरिंग्स है, H2M जो कंपनी है, ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मैग्नेटिक बेयरिंग को बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इस मैग्नेटिक बेयरिंग्स को अभी मानते हैं कि कम एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो फ्यूचर स्कोप है वो बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं मैग्नेटिक बेयरिंग को लेके। और जो सबसे ज़्यादा स्कोप निकल के आया वो है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स फील्ड में, इनमें मैग्नेटिक बेयरिंग का यूज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब जो मैग्नेटिक बेयरिंग होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव मैग्नेटिक बेयरिंग्स और पैसिव मैग्नेटिक बेयरिंग्स। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ बेयरिंग है वो हमारे पास आखिरी जो बेयरिंग है वो है फ्लेक्सर बेयरिंग। अब जो फ्लेक्सर बेयरिंग है वहाँ पे जो बेयरिंग एलिमेंट है वहाँ उसके तौर पे एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट को यूज किया जाता है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, और वो उस फिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम के अराउंड जो फ्लेक्सिबल जो एलिमेंट है वो अपना लोड को बेयर करता है, उसके हेल्प से लोड बेयर हो पाता है। अब जो फ्लेक्सर बेयरिंग है वो बहुत ही सिंपल होता है, सस्ता होता है, और इसके अलावा इसके वजह से जो फ्रिक्शन हो वो भी कम हो जाता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका जो भी डाउट था बेयरिंग से रिलेटेड वो दूर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।